गुरुवार को देश भर में धूमधाम के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया गया। लोगों ने पटाखे फोड़े, नए नए कपड़े पहने, साथ ही गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा आतिशबाजी के कारण राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफ़ी खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया और AQI इंडेक्स जहरीला हो चुका है। दिल्ली में सांस लेना अब खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में भी दिवाली की रात AQI खराब रहा और बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में भी पहुंच गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने तेज शुरुआत की है। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह मोहम्मद सिराज टीम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि भारत पहले से ही न्यूजीलैंड से ये श्रृंखला हार चुका है। भारत 2-0 से पीछे है। ये वाला टेस्ट मैच नाक की लड़ाई है और WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत के लिए एक अहम अग्नि परीक्षा भी है। बीते कई महीनों से हमारे पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी कड़ी में अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली की शुभकामनाएं तो दी हैं लोगों को, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और हमलों की कड़ी निंदा भी की है। ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जंग जारी है। दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि लगभग 8,000 के करीब उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास रशिया के कुर्स्क क्षेत्र में मौजूद हैं। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ये तमाम सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ क्रेमलिन की मदद करने की तैयारी में है। यानी कि यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरिया अब रशिया का साथ देगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को चोट लग गई है। दरअसल उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। जरदारी कल रात दुबई एयरपोर्ट पर विमान से उतरते समय थोड़ा सा फिसल गए थे, इसलिए उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तुरंत ही राष्ट्रपति जरदारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने जांच के बाद उनके पैर पर प्लास्टर लगाया है। कहा जा रहा है कि जरदारी के पैर पर ये 1 महीने तक प्लास्टर रहेगा। बांग्लादेश में बीते कई महीनों से अराजकता और आगजनी का दौर जारी है। लगातार लोगों में गुस्सा है। कट्टरपंथी शेख हसीना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनके खिलाफ, उनकी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की सहयोगी पार्टी जातीय पार्टी के ढाका स्थित केंद्रीय कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई है और फिर उसमें आग भी लगा दी गई है। ये घटना कल शाम की है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां के प्रसिद्ध देवी रामन्ना हिल मंदिर में भारी भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस कड़ी में जब भगदड़ मची तो कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक तरफ गुरुवार को जहां पूरा देश दीपावली का त्यौहार मना रहा था, तो वहीं राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था हवा में उड़ गई। दिवाली के दिन पटाखों के साथ साथ वहां पर गोलियां भी चली। राजधानी के शाहदरा इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। एक नाबालिग घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहदरा के फर्श बाजार थाना इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि एक घायल हुआ है। गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे फर्श बाजार थाना क्षेत्र में गोलीबारी की सूचना पुलिस को दी गई थी। चश्मदीदों ने बताया कि 40 वर्षीय आकाश और 16 वर्षीय ऋषभ की मौत हुई है, जबकि कृष नाम का एक 10 साल का बच्चा घायल है। IPL के अगले यानी कि 2025 की सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से पहले सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने अपने द्वारा रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ में हेनरिक क्लासन को रिटेन किया है और वो सबसे महंगे रिटेन होने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके अलावा विराट कोहली को RCB ने 21 करोड़ में रिटेन किया है। वहीं मुंबई इंडियंस ने अपने टॉप 4 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है, जबकि पंजाब किंग्स ने केवल 2 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया है और सबसे ज़्यादा अमाउंट उसके पर्स में है। वहीं ऋषभ पंत, KL राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे बड़े बड़े कैप्टन्स हैं जिन्हें रिटेन नहीं किया गया। इस बार सभी टीमें अधिकतम 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी या राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी टीम में रख सकती थी। इसी कड़ी में KKR ने 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है, तो वहीं CSK ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें MS धोनी अनकैप्ड के तौर पर शामिल है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब अपनी जाति भी बदल ली है। आपको बता दें कि साल 2021 में जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, तब उन्होंने अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रख लिया था। अब उन्होंने अपना नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर रख लिया है, यानी कि अब वो ब्राह्मण से ठाकुर बन चुके हैं।
रिजवी ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्हें इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया है।